हिमाचल में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान जोरों पर है। सभी बॉर्डर्स पर वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं, इच्छुक लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। शत प्रतिशत टीकाकरण लक्ष्य रखा गया है, कोई भी कोताही बरतने को सरकार तैयार नहीं है। तो बड़ी खबर आपको दे रखी है, वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद तेज हो गई है, शत प्रतिशत लोगों को वैक्सीन लगे। जो लोग वैक्सीन लगवाने के दायरे में आते हैं, यानी 18 साल से ज्यादा की उम्र के जो लोग हैं, उन सबको वैक्सीन लगे। पूरे हिमाचल में शत प्रतिशत वैक्सीन का आंकड़ा हो सके, इसके प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। और इस दिशा में आपको बता दें कि सभी बॉर्डर्स पर वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए हैं, इच्छुक लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन लगवाए जाने की अपील भी की जा रही है। तो शत प्रतिशत वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचे, इसके लिए बेहद प्रयास किए जा रखे हैं। खबरें तो के हिमाचल ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल फोन लाइन पर है। अरुण, सरकार भी बेहद गंभीर है, विभाग भी बहुत गंभीर है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो सके। जी ज्योति, देखिए बिल्कुल आप ज्योति इस बात को समझ सकती हैं कि हिमाचल वो देश का पहला राज्य है जहां फर्स्ट वैक्सीनेशन का जो डोज है उसे हासिल, लक्ष्य को हासिल करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश था। और अब जब उपचुनावों में राज्य सरकार को बड़ी हार मिली है तो राज्य सरकार के पास दूसरा लक्ष्य है, ये जो सेकंड डोज का है उसे जल्द से जल्द पूरे करने की कोशिश में जयराम सरकार ज्योति दिखाई दे रही है। और मैं एक आंकड़ा आपको बता दूं, क्योंकि 23 नवंबर तक जो अभी तक का आंकड़ा विभाग की तरफ से जारी किया गया है, हिमाचल के फर्स्ट डोज 57,69,000 के करीब जो है वो फर्स्ट डोज दी गई थी, और सेकेंड डोज का आंकड़ा भी 46,02,000 के करीब है। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है भले ही 10 लाख के करीब अभी डोज लगनी है, लेकिन जल्दबाजी में जयराम सरकार और विभाग दिखाई दे रही है ज्योति। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि सेकेंड डोज को पूरा करने के लिए सरकार तो लगातार कई बार कोशिश कर चुकी है लेकिन लोग सामने नहीं आ रहे। इसी वजह से सरकार ने शहरों में, गाँव में स्पेशल ड्राइव शुरू की, बसों में, यहाँ तक कि बसों में भी वैक्सीनेशन का डोज लगाने की एक कवायद थी, और अब बॉर्डर में भी एंट्री पॉइंट्स पर इसको लगा दिया है। तो सरकार की एक बड़ी कोशिश है। और इसके तीसरी वजह जो इसके पीछे है, माना यह जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 3 दिसंबर को जो बिलासपुर में एम्स है उसके एक ओपीडी के उद्घाटन के लिए आना चाहते हैं, कंफर्म अभी नहीं है, लेकिन अगर वो नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा यहाँ पर मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ आते हैं तो ऐसे में सरकार कोशिश कर रही है कि 4 तारीख को मंडी में एक बड़े जलसे के दौरान सेकेंड डोज की कवायद पूरी हो जाने के बाद उनको वहां भी लाया जा सके। तो ये लगातार की कोशिश है, लेकिन राज्य सरकार गंभीरता के साथ प्रयास कर रही है और कोशिश यही है कि 3 दिसंबर तक ये दूसरे डोज का लक्ष्य प्राप्त कर दिया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण, ये पूरी बातचीत आपने की जानकारी दी और बताया कि क्या स्थिति है वैक्सीनेशन को लेकर हिमाचल प्रदेश में। तो वैक्सीनेशन शत प्रतिशत हो सके इसके लिए प्रयास लगातार जोरों पर है, हर एक स्तर पर प्रयास किए जा रखे हैं। अरुण आपको बता रखे थे कि सरकार के प्रयास है कि जल्द से जल्द सभी लोगों को दूसरी डोज भी वैक्सीन के लग जाए, इसके लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं।